ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत सुनाबेड़ा रे माओवादी और जवान मधेरी गुली विनिमय। नुआपड़ा जिलार सुनाबेड़ा अभयारण्य ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत रे गतकाली जवान और माओवादी मधेरे गुली विनिमय होता। जवान को गुलीर मुकाबला करि नपारी माओवादी माने छत्रभंग देथिबा जणापड़िछि। घटनास्थलरे बे राज्य गृह विभाग एसओजी डीवीएफ सीआरपीएफ मिलित ऑपरेशन जारी रहिछि। गतमास 21 तारीख रे बोडेन थाना भैसादानी पंचायत पाटदरहा निकटे माओवादी गुड़े तीन जन जवान शहीद होते। गतकाली सुनाबेड़ा अभयारण्य सीमांत छत्तीसगढ़ राज्य गारियाबंध जिला मेनपुर थाना आमामल निकट सिकासर ड्याम उपर घंच जंगल भितर माओवादी माने लुचि रही। खबर पाई छत्तीसगढ़ पुलिस कमिंग ऑपरेशन चालू रखी। मात्र माओवादी माने ओडिशा राज्य सुनाबेड़ा अंचल छत्तीसगढ़ जंगल भितर को पलायन करिछन्ति। वर्तमान उभय राज्य रे कमिंग ऑपरेशन जारी रहिथिबारु सुरक्षा दृष्टिकोण रु कोनो से सूचना देबा को पुलिस मना करिछि। पाकापाकी 10:10 एएम को हमरो एसओजी टीम संगे माओवादी का एक्सचेंज ऑफ फायर हैला और से माने हमरो ऊपर फायर करले और तापरे हमरो टीम भी रिटेलिएट करला और हमरो टीम से एरिया रे गोटे बड़ा कैंप डिस्कवर करला। माओवादी लोग फायर करके अब जंगल भितरे एस्केप करीगले और हमरो टीम सेटी पुरे पूरा सर्च करके जो किसी किसी आर्टिकल सीज करके आने का से आर्टिकल डिटेल्स में आप लोग को ये प्रेस रिलीज दे दूँ। से इट इंक्लूड्स बैटरी रेडियो पावर बैंक एक्सेट्रा और इट ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव आइटम्स भी एवं सीज कराई इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स एंड अदर टैबलेट्स कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स आउ जिते का भी हम लोग जान लें हमारे टीम संग कथा करके जान लें से कैंप रे बड़ा लीडर लोग नेमली मुरली देवजी जयराम गुड्डू अंजू संगीता जनीला कार्तिक से मान लोग थे। एवं हम लोग इन्वेस्टिगेशन चली डिटेल आउ किए लोग थे से बाहर नहीं आम साइड में सब लोग सेफ अच्छा। माओवादी साइड रे इंजरी या कैजुअल्टी छी सेटा बे एबे हमें वेरीफाई कर पर पर नहीं केते माओवादी थिले पाका पाकी 60-80 हमें एबे एक्सपेक्ट करू छु और फर्दर कोमिंग ऑपरेशन जारी है छी और फर्दर डिटेल से दी और किछ हो सर एग्जैक्टली स्पॉट टाइप होत है सर जो टाइप स्पॉट आसी छी पर पाडर नगर फॉरेस्ट जस्ट छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर। कितने घंटा कितने राउंड फायरिंग हुई छी हमरो राउंड हमरो 284 हमरो लोग फायर कर ले और 20 यूबीजीएल अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और पाका पाकी 1 आवर मैंने मजे मजे रे रुक रुक के फायरिंग थी 1 आवर प्लस इधर किसी महिला माओवादी थी सर। हाँ बिल्कुल महिला माओवादी मैं आप लोगों को नाम भी जान ली और जेहेतु कॉन्ट्रासेप्टिव आइटम्स मैंने सीज आई थी मैंने महिला माओवादी थे सर। भद्रा और सोनाबेड़ा जंगल एरिया में और कल सुबह करीब 10 बजे करीब जो फायर हुआ जिसमें एसओजी की टीम जो थी और उनका नक्सल के बीच में काफ़ी देर फायरिंग हुई करीब 1.25 घंटा के करीब फायर हुआ है और हमें ऐसी उम्मीद है कि माओवादी को उसको नुकसान हुआ होगा क्योंकि माओवादी काफ़ी बड़ी संख्या में थे और जिस तरह की पोजीशन थी हमें पूरा लगता है कि उनको काफ़ी नुकसान है उसमें और काफ़ी बड़ा कैंप था काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान थे और काफ़ी सामान हम ले भी नहीं आ सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा लगता है करीब 60 से 65-70 तक आदमी माओवादी वहाँ पर थे और वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जिससे ऐसा इंडिकेशन लगता है कि जिससे वो कुछ महिलाओं के शोषण में भी माओवादी इन्वॉल्व थे क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह कुछ और कॉन्डोम्स वगैरह इस तरह की कई ऐसी चीज़ें मिली हैं तो जो इंडिकेट करते हैं कि इस तरह की गतिविधियाँ भी माओवादी इस तरह कर रहे हैं। कितना राउंड फायर करीब हमारी साइड से अराउंड 384 राउंड फायर हुआ है। यूबीजीएल होता है जिस तरह के ग्रेनेड्स होते हैं जो अलग एक तरह की गन से फेंके जाते हैं उसको यूबीजीएल कहते हैं वो भी उसका ही हमारे एसओजी की टीम ने उसका यूटिलाइजेशन किया है और करीब 20 राउंड फायर किए हैं। कुछ कैजुअल्टी हमारी साइड से कोई कैजुअल्टी नहीं है और हमें पूरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं क्योंकि कई जगह छोटे मोटे स्पॉट्स वगैरह इस तरह के मिले बॉडी वॉडी खींचने के स्पॉट्स मिले हैं ऐसा लगता है क्योंकि माओवादी कभी बॉडी छोड़ के नहीं जाते वो बॉडी अपने साथ ले जाते हैं और वो कहीं भी जो उनको पहला मौका मिलता है बॉडीज़ को मिट्टी मिट्टी में दफना देते हैं क्योंकि ये काफ़ी उनके लिए डिमोलाइजिंग होता है। तो तेजुराम नायक सह चेतुराम प्रधानी रिपोर्ट ओडिशा हलचल।